बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं आपके साथ एक और न्यू रेसिपी शेयर करने आई हूँ और ये रेसिपी जो है वो बहुत ही ज्यादा चटपटी है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं जनाब पापड़ी चाट। और आप लोगों को पता है चाट ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है और ये भी अफ्तारी की एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डिश है, जो अफ्तारी में लाजमी होती ही होती है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग रेसिपी को झटपट से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है, ठीक है। मैं इसकी फ्लेम को ऑन कर देती हूँ जब तक पैन हमारा जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। तब तक मैं आपको जरा गाइड कर लूँ कि मैंने जो अपने चने लिए हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने चने लिए थे और मैंने इनको सारी रात भिगो दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कर लिया बॉयल। मैंने जब इसको बॉयल किया है तो मैंने इसको छाना नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसमें लिक्विड मौजूद है, हमें यही लिक्विड को यूज करना है, ठीक है। हम लोग इस चाट को कुक करने वाले हैं, ठीक है जी। तो मुझे ये मैंने इसको ड्रेन नहीं किया, इसमें जो लिक्विड था चनों वाला बॉयल करते वक्त वो इसमें शामिल है, ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको शामिल कर देती हूँ। चनों को बॉयल करते हुए मैंने कोई नमक कुछ भी ऐड नहीं किया, ठीक है। ये विदाउट एनी स्पाइस सिर्फ मैंने इनको बॉयल किया, ठीक हो गया। चने जो है वो चले गए, इसमें थोड़ा सा हम वेट करेंगे कि ये थोड़े से वार्म अप हो जाएं। जी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बबल्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये अच्छे से गर्म हो गया है तो अब ये बहुत ही झटपट बन जाएगी। बस इसमें जो है अब हमने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को शामिल करना है। मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ नमक। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बॉइलिंग के वक्त नमक नहीं डालना, तो मैंने उस हिसाब से ही इसमें नमक शामिल करना है अपने टेस्ट के हिसाब से। साथ में मैं ये ट्रिपल मसाला ऐड करी हूँ, उसका मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया हुआ है। ये जो गोल वाली मिर्ची होती हैं वो, साबित जो धनिया होता है वो, और साबित जो जीरा होता है। ये तीनों चीजों को आप लोग ड्राई रोस्ट करें और इसका बना लें पाउडर। तो ये हमारा बहुत ही मजेदार सा ट्रिपल मसाला हो जाता है रेडी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब फूड कलर, ठीक है। ये हमारी चाट को एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का कलर देने वाला है। साथ ही मैं इसमें जो है लच्छे में कटे हुए जो प्याज हैं एक मीडियम ले लें, या अगर आपको ज़्यादा प्याज पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, ठीक है। कम प्याज पसंद है तो कम डालें, नहीं पसंद ना डालें, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसमें जो मैं टमाटर प्याज धनिया ये जो डाली हुई आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो चाट में ना ऐसे लच्छे वाले जो प्याज है ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आप अभी से देख सकते हैं कि कितना इसमें ब्यूटीफुल सा जो है वो कलर जो है वो आ गया है, ठीक है। अच्छे से इसको मिक्स कीजिए और इसी के साथ जो है मैं शामिल कर रही हूँ इसमें इमली का पल्प, ठीक है जी। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक दरमियाना साइज का कटा हुआ टमाटर और एक जो है हरी मिर्च, ये भी शामिल कर दूंगी इसमें, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ चाट मसाला, ठीक हो गया। इसको एक दो मिनट के लिए मैं अच्छे से मिक्स करूंगी कि टमाटर जो है और प्याज वो जरा सॉफ्ट हो जाएं। बस एक दो मिनट ही मैंने इसको पकाया है और आप देखिए कि ये हमारी चाट जो है वो कितनी झटपट से रेडी भी हो गई है। बस लास्ट में मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ हरा धनिया। आई लव हरा धनिया और आपको पता है कि चाट की तो जान होता है ना फिर हरा धनिया। तो चलिए लास्ट में हम लोगों ने हरा धनिया शामिल कर दिया। इसको मैं अच्छे से करूंगी मिक्स और मैं फ्लेम कर देती हूँ ऑफ, क्योंकि चाट हो गई है बिल्कुल रेडी और अब हम लोग इसको जल्दी से सर्व कर लेते हैं। जी जनाब, तो हियर वी गो, चाट हो गई है हमारी रेडी। देखिए कितनी ये झटपट जो है वो ये रेसिपी तैयार हो गई है और ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और बहुत डिफरेंट बनती है। हल्की सी सॉसी भी होती है और ये बहुत मजे की लगती है। लास्टली हम लोग जो है वो इसके ऊपर गार्निश करते हैं। वैसे तो आप लोग पापड़ी तब डालें जब बिल्कुल आप सर्व करने लगे, क्योंकि वरना ये जो है वो सॉगी हो जाती है पापड़ी, तो उतना मजा नहीं देती जैसे कि मैंने इससे यहाँ पर सर्विंग में इसको साथ में रख लिया है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी जो है वो अभी ऊपर डाल देती हूँ और साथ ही मैं इसके ऊपर थोड़े से डाल दूंगी हरा धनिया। तो जनाब हमारी रेडी हो गई है मजेदार सी चाट। आप इसको जरूर जरूर जो है वो ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी है। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट और दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। बहुत ज्यादा आप लोग अल्लाह करे कि अपने हिफ्ज़ो अमान में अल्लाह पाक आप लोगों को रखे।
खुश रहें, खुश रहने दें। टिल माय नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।